वेलकम बैक टू मंटीवी ऑफिशियल. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस. आज मैं जिस मूवी का जिक्र करने लगी हूँ और जिस एक्टर और जिस मैं कास्ट का जिक्र करने लगी हूँ, दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद आर पाकिस्तानी इंडस्ट्री, आर पाकिस्तानी ड्रामा. एंड वी फील रियली प्राउड ऑफ हिम कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के, मतलब एक्चुअली ही इज़ ए ब्रिटिश जो है सिटीज़न कम पाकिस्तानी, और मतलब पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरीत रखने वाले हमारे वो बहुत ही मायनाज एक्टर हैं. और पिछले कुछ अरसे से, 8 साल से उनको हम लोग टीवी पे देख रहे हैं. अली खान, आप लोगों ने उनको हमेशा हमारे यहाँ ड्रामास में देखा है, बट अभी तक बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि उन्होंने एक जो है वो बहुत बड़ी जो है आजकल मूवी में काम उन्होंने किया है. और 2020 में रिलीज होने वाली मुगल मोगली जो मूवी है, वो उनकी अब तक की बेस्ट 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 मूवीज़ में से जो है वो शुमार की जा रही है. क्योंकि मूवीज़ में से इसलिए बिकॉज उससे पहले उन्होंने जो है वो, खैर से बॉलीवुड, जी हाँ बॉलीवुड में इवन उन्होंने शाहरुख खान के साथ भी काम कर लिया हुआ है. और जो भी लोग मूवीज से रिलेटेड शौक रखते हैं वो लोग तो इस बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, बट हमने सोचा कि हम चूँकि हमारा चूँकि जो निश है वो इसी से रिलेटेड है, लाइक रिव्यू से रिलेटेड है, और ये इट्स नॉट ओनली जस्ट लिमिटेड विद टू ड्रामास, तो हम लोग तो ओवरऑल मीडिया को देखते हैं, सो व्हाई नॉट दिस मूवी, बिकॉज ये मेरे दिल को बहुत छुई और ये बहुत ही अछूते और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बनाई गई मूवी है. आई वुड लाइक टू डिस्कस इट्स मेन आइडिया, बट उससे पहले मैं आपसे अली खान के बारे में दोबारा से जिक्र करना चाहूँगी कि उन्होंने रिज खान के साथ इसमें इस मूवी में काम किया है, और रिज खान भी जो है वो उनकी जो नस्ल है वो बैक जो उनके फो फादर्स हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू पाकिस्तान. और मतलब एवरी जितने जो भी, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो रिज खान से जो कि बहुत प्यार करते हैं, जो उनके फैंस हैं, दे ऑल नो के हु इज़ ही. Auditions में मिला करते थे. Obviously, that was one of the main factors कि I was keen to do this film. Yo, you're so ignorant, calling me an immigrant. Haven't you seen your own skin pigment? We should be in it. जी, ट्रेलर आपने देखा. I hope आप लोगों को भी ये अट्रैक्ट किया होगा मेरी तरह बिल्कुल, because इसमें जो आप देख रहे हैं जो conflict पाई जा रही है, that is actually the main reason of the attraction hidden in this movie. और जो जिसने मुझे भी बहुत इसकी तरफ जो है वो परेशान करके रखी रखा कि नहीं मुझे बनाना है, मुझे इस पर बात करनी है, एंड दैट इज़ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन. इसको देखते ही मेरे जहन में ये चीज़ आई कि ओ माय गॉड, ये तो उसी पे बात है, मतलब जिस पे मैं चाहती हूँ कि इस पे बात होनी चाहिए, इस पे कुछ बनना चाहिए और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बनना चाहिए. सो इस मूवी की सबसे बड़ी बात यह है, आपने हमारी इस वीडियो को एंड तक इसलिए देखना है, और आज मैं इसको काफ़ी कंजेस्टेड करके छोटा करके बनाऊंगी, सो आपको इतनी परेशानी ना हो, इसमें इतनी देर बैठ के आपको देखना पड़े. सो हमने इसकी स्टोरी की मेन लाइन के बारे में बात की है. जो किरदार है, जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देख लिया है कि अली खान का जो इसमें है वो काफ़ी मेन करेक्टर है, और देखने में भी ऐसा लगा और देख के भी पता समझ आई कि किस तरह से ये जो है इस ड्रामा फिल्म टाइप फिल्म में इन्होंने मतलब उसके फादर का किरदार किया, और किस तरह से वो फिर मतलब जैसे जिस तरह उन्होंने बोला कि ब्राउन फैमिलीज होती हैं, फिर वो किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश भी की, बट स्टिल लाइक जैसे उनको एहसास भी होता है और वो नहीं चाह रहे होते कि उनकी औलाद जो है वो मतलब इस तरह से इस सोसाइटी में इस तरह इंटरमिंगल होकर, या उन क्योंकि उनको पता होता है, बिकॉज दे अफ्रेड इनर साइड के, उनको पता होता है कि मतलब ये लोग इस इन हमारे जो है हम लोगों को नहीं इस तरह से मतलब एक्सेप्ट कर सकते. सो ये मीडिया, ये हमारा जो हमारी सिविलाइजेशन दूसरी हैं, वाई डोंट यू गाइज एक्सेप्ट, मतलब आप लोग ये जो वेस्टर्न माइंड सेट है और ये ईस्टर्न, वॉट इज दिस, मुझे इस बात की अभी तक नहीं समझ आ रही. पेरेंटिंग को अगर देखा जाए तो जिस तरह से एक ईस्टर्न पेरेंट सोचता है अपनी औलाद को लेकर, उसी तरह से एक वेस्टर्न पेरेंट सोचता है, तो फिर क्या डिफरेंस है? हाउस होल्ड को देख लो, लव एंड जो है वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स को देख, किसी भी टाइप की रिलेशनशिप्स को देख लो, हर इंसान के उसी तरह से इमोशंस होते हैं. तो फिर ये जो क्लैश निकाला गया और ये जो मतलब ये चीज़ें लिखी गई, इस तरह का लिटरेचर लिखा जाने लगा, और ये वाइट स्किन और ये ब्लैक और ये ब्राउन स्किन, ये कहाँ से निकला है, किसने निकाला है इसको? थिंक अबाउट इट. अब इस चंक में आपने देखा होगा कि किस तरह से जब ये बिकॉज अब ये इसमें जो करेक्टर है एक्सक्यूज मी, रेस खान का जो करेक्टर है इसको मूवी में जेड बोला जा रहा है, तो ये जो जेड साहब होते हैं ना, इनको हो जाती है ऑटोम्यून डिजीज. अब ऑटोम्यून डिजीज क्या होती है?
ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो ये होती है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, जब भी कोई फॉरेन एलिमेंट हमारे जिस्म में आता है तो ये उस हमारे जिस्म के जो जितने भी इम्यून इम्यूनो एसिड्स होते हैं या जितने भी हमारे इस तरह के एजेंट्स होते हैं इम्यूनिटी वाले, ये उसको अटैक करते हैं और उस बीमारी को खुद ही खत्म कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारा बॉडी ने फाइट करके उसको खुद ही खत्म कर दिया, वो हमारा कुवत मुदाफियती सिस्टम होता है। बट समटाइम्स ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली कि हमारे हमारा ये जो सिस्टम होता है ये कन्फ्यूज हो जाता है और ये अपने ही अच्छे वाले सेल्स को भी खत्म करना शुरू कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। अब इसी तरह की एक डिजीज हो जाती है इस फिल्म में जेड को भी, ड्रामा फिल्म में जेड को भी, ठीक है। अब वो बेचारा उससे थोड़ी सी स्टेज पे पहले जो है वो लोगों से परेशान हो रहे थे या कहता है कि तुम लोग मुझे हर बार कहते हो कि मतलब मैं इमिग्रेंट हूँ। एक तो वाकई सब आप लोग मुझे बताएं यार ये कि ये इमिग्रेंट क्या होता है, मुझे भी मतलब मैं जब जर्मनी में आई तो पीपल कॉल मी, मतलब उन्होंने बोल दे डिड नॉट कॉल मी लाइक फ्रेंडली अंदाज में, उन्होंने बोला कि हाँ हमारे यहाँ ना सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है फॉर इमिग्रेंट्स। मैंने बोला कि भैया ये इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, लाइक मैं मेरे पास तो अच्छा सा फैमिली वीजा एंड ऑल दैट सारा कुछ। अच्छा इमिग्रेंट होने में कोई मसला नहीं है, उन्होंने जो जर्मन वर्ड बोला था दैट इज स्पेसिफिक ओनली फॉर महाजर, जो मतलब अपना वतन छोड़ के आ रहे होते हैं। तो मुझे उस चीज से एतराज, मैं यार मैंने नहीं अपना वतन छोड़ा, एक्सक्यूज मी आई लव माई कंट्री, मैंने तो वापस जाना है। सो इस बात पे मैंने उनको जब बोल तो ही सेड के इट्स ऑल द सेम सी, तो दे डू नॉट एक्चुअली एक्सेप्ट फॉरनर्स, चाहे बी टू एनी केस, लाइक वो बड़े कुछ फन्ने खान होते हैं, उनके पास कोई भी जहान का वीजा है, उनके पास नेशनैलिटी आ जाती है, मतलब दे डोंट एक्सेप्ट बट दे प्रिटेंड टू एक्सेप्ट। ठीक है, एक हिपोक्रेसी उनके यहाँ इनके यहाँ पाई जा रही है, बट दे एक्चुअली ब्लेम इस्लाम, मुस्लिम्स, ब्राउन पीपल, उन्होंने ये सारी इख्तराएं निकाली हुई खुद से। हमारे यहाँ जो है वो गलत लोग पाए जाते हैं जो हमारे ही मुल्क के खिलाफ और हमारे ही मजहब के खिलाफ चल रहे होते हैं, इसी तरह इनमें भी है, हर सब में होता है। सो इसलिए आई डोंट थिंक सो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात है। सो इसी तरह से मतलब ये लोग जो प्रोपेगेंडा क्या कर रहे हैं, ये इन ज्यादातर हर जगह अवर तो हो रहा है बट ज्यादातर ये पाकिस्तानियों और इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि आपने देखा होगा इमरान खान जब फ्रेंच मतलब मिनिस्टर को या जो भी है उनका वो उसको खत लिखता है, उनकी जिस अथॉरिटी को खत लिखता है जब, तो मतलब हर बंदा उसे बात करता है, सही है, उसको पिन पॉइंट भी करता है, मतलब एवरीथिंग, तो मतलब हर बंदा बात करता है उसको। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, अली खान की हम लोग बात कर रहे थे। आयशा हार्ट इसमें बीना बनी हुई है और अली खान है इसमें बशीर के तौर पर, यानी कि उसके फादर जो है रिस खान की, इनकी जेड इनको कहा जाता है इसमें। इसी तरह इनकी जो मदर होंगी और इसी तरह बहुत सारे और दूसरे करेक्टर्स हैं, कोई फ्रेंड वगैरह भी इनके इसमें मौजूद हैं जिनके नाम जो है वो आप लोग देख सकते हैं, हुसैन मुनव्वर, अंजाना वसन और नभान रिजवान, इस तरह मतलब बहुत सारे लोग हैं, सुधा बुच्चर एंड ऑल दैट। अच्छा इसके अलावा इस मूवी की एक अच्छी बात यह है कि ये जो है वो बर्लिन अवार्ड भी जीत चुकी है, मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग। लाइक अच्छा हम मेरा जो मेन फोकस था वो था अली खान, और अली खान ने इससे पहले जो जो मेन ड्रामास के बारे में बात की है आप वो इस क्लिप में भी देखेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको अली खान का किरदार इसमें कैसा लग रहा है, आर यू गाइज गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन दिस मूवी, और इसके अलावा आपको इसका मेन आइडिया, जो मैंने इसका मेन इसका जो जस्ट मैंने आपसे जिक्र किया है कि ये जो बाहर ये जो लोग हैं वेस्टर्न लोग हैं ये वाकई क्या बाहर के लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, आप लोगों का तजुर्बा कैसा रहा है इसके बारे में, और ये सब आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए। मैं एक्चुअली जब भी वीडियो बना रही होती हूँ मैं दिल से बना रही होती हूँ, मैं उस टॉपिक के अंदर इतनी ज़्यादा खो जाती हूँ कि सच में मुझे इसके बारे में कि मुझे अपना चैनल को क्या करना है वो ये वो सब कुछ मेरे लिए वो दूसरे नंबर पर चला जाता है, पहले नंबर पर मेरा वो टॉपिक होता है। सो आई रियली होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, इसमें हम बात कर सकते हैं अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करो, अगर आप लोग मुझसे क्वेश्चंस करो कमेंट बॉक्स के अंदर। सो मैं वेट करूंगी आप लोगों के क्वेश्चंस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो है वो नेक्स्ट वीडियो भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है मोटिवेशन फील नहीं करता जब जिस बात पे वो बात जिस जो बात वो कर रहा है वो बहुत बड़ी है लेकिन लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। सो वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। थैंक यू सो मच। टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर। बाय बाय।